बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद वसीम अब्बास साहब ऑस्ट्रिया से। आपका तल्लुक जो है वो पाकिस्तान में रतियाँ सैदा सियालकोट से है और आप गुज़श्ता 30 साल से ऑस्ट्रिया में मुकीम हैं। वहाँ आपका बिजनेस है, होटल्स का कारोबार है, इसी तरह और भी कुछ कारोबार वहाँ करते हैं और अल्लाह के फजलो करम से ऑस्ट्रिया की अहम शख्सियात में आपका शुमार होता है। तकरीबन 10 साल पहले, ये गालबन 2015 के लगभग की बात है, जब मैंने असल क्रिशमाती निज़ाम तशखीस तिब का अमली मुजाहरा शुरू किया था फेसबुक पे और उसके बाद फिर ये असल क्रिशमाती निज़ाम तशखीस तिब दुनिया में फैला, तो जनाब सैयद वसीम अब्बास शाह साहब ने मेरे साथ राबता किया। बहुत सारे लोग मेरे पास भेजे और इनका व्हाट्सएप पे मेरे साथ राबता रहता रहा। आज मुझे बेहद खुशी है कि जनाब सैयद वसीम अब्बास साहब ऑस्ट्रिया से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से जनाब सैयद वसीम अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये ऑस्ट्रिया में रह के वहाँ की अहम शख्सियत हो के, वहाँ के बिजनेसमैन हो के पाकिस्तान में हमारे साथ जुड़े रहे, और मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी हद से ज़्यादा जो है वो पज़ीराई की और हौसला अफजाई की। असल क्रिशमाती निज़ाम तशखीस तिब को जब मैंने दुनिया के सामने पेश किया और ये वो बातें तक समझ गए जो आज तक भी मैंने खुफिया रखी हुई हैं। सच्ची बात ये, माशाल्लाह अल्लाह के फजलों से ये सदात हैं। इनका तल्लुक जो है वो अहले बैत अत्तहार से है, तो हमारे लिए तो वैसे इनकी बहुत बड़ी एक शान है, अजमत है। इनके घराने के हवाले से ही हम तो इनके वैसे ही नौकर हैं, इनके घराने के ही नौकर हैं, लेकिन मैं खसूसी तौर पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोहब्बतों से नवाज़ा, अपनी बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ और आज अल्लाह के फजलो करम से ये 10 साल बाद पाकिस्तान आए हैं और मैंने आज इनको, इनके हाथों की लकीरों को देख कर इनकी जो तशखीस थी वो कि इनके साथ इस वक्त एक वफद भी आया हुआ है, हमारे मेहमान खाने में बैठे हुए हैं, तो उन सब की भी मैंने अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ हाथों की लकीरें देखकर तशखीस की और अल्लाह के फजलो करम से जितने सो दोस्त आए हैं उनमें एक बहुत काबिल डॉक्टर साहब भी हैं, तो अल्लाह के फजलो करम से मेरी कोई औकात नहीं। ये पंचतन पाक के नालैन मुबारक का सदका है के सब ने तस्दीक की और इस असल क्रिशमाती निज़ाम तशखीस तिब को देखकर हैरत का भी इजहार किया और मुझे बहुत सारी दुआओं से भी नवाजा। तो मैं जनाब सैयद वसीम अब्बास साहब शुक्रिया इनका अदा करता हूँ कि इन्होंने असल क्रिशमाती निज़ाम तशखीस तिब को बहुत ही ज़्यादा समझा और आज भी इन्होंने मुझे ऑस्ट्रिया आने की दावत दी है कि जी आप यूरोप आएँ, ऑस्ट्रिया आएँ, मेरे पास आएँ और हम इंशाल्लाह ताला इस क्रिशमाती निज़ाम को वहाँ भी जो है वो पहुँचाएँगे, वहाँ के लोगों को भी इससे आगाह करेंगे और वहाँ जो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, दूसरे लोग मौजूद हैं वो भी इससे इस्तफादा करेंगे। तो मैं जनाब सैयद वसीम अब्बास साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे यकीन करें कि बहुत खुशी हुई है क्योंकि 10 साल के बाद आज मेरी इनके साथ मुलाकात हो रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।